ईशा रानी ने एक बार फिर से दिल जीत लिया है। या तो ये बात बोलें कि भाई एक ही तो दिल है, कितनी बार जीतोगी मनीषा रानी। बिग बॉस को लेके कोई भी बात अब कहना नहीं चाहती है मनीषा रानी, क्योंकि उसके पास कोई ऐसी बात है ही नहीं कि वो बिग बॉस के ऊपर या कुछ ऐसी उंगली उठाए। क्योंकि चाहे एपिसोड की बात रही, चलो एपिसोड में ऐसी चीज़ें दिखाई गई, ऐसी चीज़ें नहीं दिखाई गई, जहां पर डिवाइड हुई जनता, जनता ने कुछ गलत सोचा, कुछ सही सोचा, पर लाइव फिट देखने वाले लोगों ने बहुत ही ज़्यादा मनीषा को समझा और ये चीज़ें तो लाइव फीड में दिखाई गई। अब जो है मनीषा रानी बाहर रिहर्सल में दिखाई दी, रिहर्सल करने के बाद वो जैसे ही बाहर आई, आने के बाद जो है उनसे पूछा गया कि बहुत सारे लोगों ने, देखिए बहुत सारे लोग जो है बाहर आने के बाद जिस प्लेटफॉर्म ने उनको बनाया उस प्लेटफॉर्म के ऊपर उंगलियां उठाते हैं, पहले भी उठाते हुए आए हैं, अब भी उठा रहे हैं, काफी सारी बातें बोली हैं कि मेरी फुटेज कट कर दी गई है, मैं ऐसी नहीं दिख रही थी, मैं वैसा नहीं दिख रहा था, मुझे ऐसा दिखाया गया है। तो मैं नाम नहीं लूंगी, आप लोगों को भी पता है कि किन लोगों ने उंगली उठाई। और जब एक्चुअली में मीडिया ने पूछा कि मनीषा रानी जी ये चीज बताइए कि आप क्या बोलना चाहेंगे कि मतलब कि आपकी कोई फुटेज वुटेज कट की गई, तो मनीषा ने बोल दिया, देखिए पहली बात यह है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं कोई एपिसोड देखूं या कोई चीज देखूं, मैंने छोटी मोटी क्लिप्स देखी है। अल्टीमेटली बस ये कहना चाहूंगी कि आप लोगों का प्यार मुझे मिल गया है, इतना सारा प्यार मिल रहा है, मेरे लिए वो ही काफी है, और बिग बॉस की वजह से ही मैं यहां तक पहुंची हूं, फैंस की वजह से ही मैं यहां तक पहुंची जो कि उन लोगों ने मुझे यहां तक पहुंचाया। तो लाइव फीड में सब चीजें दिखाया जाता था, उन लोगों ने मुझे पहचाना है, बस ये चीज चाहती थी, वो चीज मिल गई। तो ये मनीषा रानी ने बहुत ही अच्छी बात बोली, और ये बात बोली कि भाई मैं बिग बॉस के बारे में कुछ भी नहीं बोलना चाहती हूं, मुझसे मत पूछिए। सही बात है, मनीषा ने बहुत ही क्लियर बात बोल दी है, जहां पर लोग इस सोच के आसपास भी नहीं आ पाते हैं, मनीषा रानी अपना दिल को साफ रखती है, इसीलिए साफ आंसर जो है मनीषा रानी के मुंह से निकलते हैं, दिल जीता या नहीं बताइए जरूर। इसी के साथ मैं लेती हूं इजाजत, नमस्कार।